प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एसएसपी अपने कड़े तेवरों के चलते सुर्खियों में है। दरअसल आगरा के व्यापारी से सोना चांदी, कैश और अन्य सामान जबरन अपने पास रखने की शिकायत पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने गुप्त विभागीय जांच के निर्देश दिए थे। जांच के बाद थाना प्रभारी मड़ियाओं और दो एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया था। एसएसपी ने कहा कि पीड़ित की ओर से तहरीर देने पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पीड़ित को डरा धमकाकर जबरन उसके सामान को अपने कब्जे में ले लिया था। जानकारी के मुताबिक आगरा के कमला नगर निवासी विशाल दिवाली से पहले 2 नवंबर को अपनी कार से घर जा रहे थे। इसी बीच मड़ियाओं गोल चौक के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान व्यापारी की गाड़ी रुकवाई और कार की तलाशी लेने लगे। तलाशी के दौरान कार में सोना चांदी देख पुलिसकर्मी व्यापारी को चौकी पर ले आए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने व्यापारी की कार में मिले सोना चांदी को चोरी का सामान बताकर उसे जमकर रौब गांठा और धमकाते हुए चुपचाप चले जाने की धमकी दी। खुद की जान बचाने के लिए पीड़ित चुपचाप चौकी से चला गया और त्यौहार के बाद उसने घटनाक्रम की शिकायत एसएसपी लखनऊ से की। माथहतों के इस तरह के कारनामों की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने एएसपी विधानसभा राहुल मिठास को पूरे मामले की गुप्त जांच का आदेश दिया। जांच में जब आरोपियों की फ़ोटो पीड़ित को दिखाई गई तो उसने थाना मड़ियाओं इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह, एएसआई दलबीर सिंह और एएसआई आफताब आलम के रूप की पहचान की। इसके बाद एएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को आरोपी मानते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना यह भी है कि मामले की विभागीय जांच एसपी क्राइम ब्रांच से करवाने के साथ ही पीड़ित को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी बुलाया गया है। पीड़ित की ओर से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद मामले में बड़ी कार्रवाई भी संभव है। थाना प्रभारी मड़ियाओं पर गाज गिरने के साथ ही एसएसपी ने गोमती नगर में फन मॉल चौकी पर तैनात बलवंत शाही को भी सस्पेंड कर दिया है। कथित रूप से बलवंत शाही पूर्व कप्तान यशस्वी यादव से लेकर दीपक कुमार के समय तक नियमों को ताक पर रखकर थानेदारी के लिए जाना जाता था। न्यूज़ टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। एक व्यवसायी द्वारा थाना मड़ियाओं पुलिस पर आरोप लगाए गए कि जब वो गोरखपुर से लौट रहे थे तो मड़ियाओं में थाना क्षेत्र अंतर्गत उनसे चेकिंग के बहाने रुपये कुछ हड़प लिए गए हैं। इस पर विधानसभा एसपी जो हैं इनसे जांच कराई गई तो कुछ गंभीर तथ्य सामने आए। इसकी गंभीरता को देखते हुए एसएचओ और दो अन्य सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो विभागीय कार्रवाई है वो एसपी क्राइम को सौंप दी गई है। विभागीय कार्रवाई में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।